आर्य विज्ञान पीजी कॉलेज कारवार के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंघानिया आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था कि एंड्रोशियम स्ट्रक्चर अपन ने देखी, पॉलन सैक स्ट्रक्चर अपन ने देखी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा और टाइप ऑफ एपिडर्म हमने पढ़ा, फंक्शन ऑफ एपिडर्म हमने पढ़ा। इसके बाद में आगे अपना जो पॉइंट चलता है वो पॉइंट चलता है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने के बाद में जो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होता है, मतलब लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है, वो लघु बीजाणु किस पोजीशन में उस पोलन सैक में यानी कि उस माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस चीज को अपन समझेंगे, जैसे अपन ने क्या पढ़ा, क्या चीज क्लियर की हमने, ये चीज अपन ने क्लियर कर ली, यानी कि हम लोगों ने ये चीज पहले क्लियर कर ली। ये क्या थी, माइक्रो स्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी क्लियर हुआ, ठीक है। अब लघु बीजाणुधानी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, लघु बीजाणु जनन हुआ और लघु बीजाणु से क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ वो ऑफ माइक्रोस्पोर। ये चीज यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होता है। ये कहां होता है, सारा काम माइक्रोस्पोरेंजियम में, क्लियर। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन हुआ और माइक्रोस्पोर बना। अब ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो चार बनते हैं, यानी कि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस फर्स्ट और सेकंड से चार स्पोर बनते हैं, यानी कि चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। अब ये जो चार माइक्रोस्पोर होते हैं ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम में किस पोजीशन में होते हैं, तो देखो सबसे पहली पोजीशन हम बात करें, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय जिसे अपन टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, इसमें क्या होता है, चतुष्फलकीय स्थिति अपन देखें, चतुष्पद की स्टेज में टेट्राहेड्रल जो पोजीशन होती है उसमें सामने से अपने को जब तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, माइक्रोस्पोर दिखते हैं, यहां पर तीन है माइक्रोस्पोर दिखते हैं, लघु बीजाणु दिखते हैं, यहां तीन है, तीन तो सामने से दिखाई देते हैं, एक इनके बिल्कुल पीछे की तरफ यानी कि अपोजिट साइड में होता है,
मतलब तीन तो सामने है और एक पीछे की तरफ है, बैक साइड है। तो यहाँ रीजन क्या क्या हुआ, चतुष्फल की स्थिति। तो यह आपको ध्यान रखना है, चतुष्फल की जो स्थिति होती है वो डाइपोल्स पौधे में होती है। डाइपोल पौधे जो होते हैं द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री पादप, क्लियर। द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उसमें चतुष्फल की टेट्राड स्थिति माइक्रोस्पोर की प्रेजेंट होती है, मतलब माइक्रोस्पोर की लघु बीजाणु की टेट्राड अवस्था इसमें पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चतुष्फल के समझ में आ गए, क्या क्या आया, तीन लघु बीजाणु सामने से दिखाई देते हैं, एक पीछे की तरफ होता है, चार हो गए, क्लियर। ऐसा किसमें होता है, द्विबीजपत्री पादप। अच्छा ये जो है ये केलोज होता है, ये चीज पहले भी आएगी, केलेज एंजाइम केलोज का क्या करता है, अपघटन, और ये चारों लघु बीजाणुओं को मुक्त करता है। ये अपन ने टेपिडम के कार्य में पढ़ा था कि केलेज एंजाइम का जो निर्माण, केलेज एंजाइम जो होता है वो ये सारी चीजें टेपिडम के द्वारा होती है। तो केलेज एंजाइम जो होता है वो केलोज का अपघटन करके पराग पुष्प को फ्री करता है, क्लियर, चतुष्फल के। दूसरी है संधिपार्श्व, आइसोबाइलेट्रल। संधिपार्श्व को क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेट्रल। तो आइसोबाइलेट्रल जो पोजीशन होती है वो पोजीशन आपको ध्यान रखना है मोनोपोड में होती है। एक बीजपत्री जितने पादप होते हैं उनमें होता है। तो इसमें क्या होता है, डायग्राम देखिए इसका, आइसोबाइलेट्रल में समद्विपार्श्व में चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर दिखाई देते हैं, यानी कि चारों लघु बीजाणु आसानी से सामने से अपन देखेंगे तो चारों लघु बीजाणु आसानी से हमारे को चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, तो उसे बोलते हैं समद्विपार्श्विक। फॉर एग्जाम्पल एक बीजपत्री मोनोपोड जो प्लांट होते हैं उनमें समद्विपार्श्विक स्थिति होती है, आइसोबाइलेट्रल पोजिशन पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी पोजिशन क्रोसिट स्थिति में अपने क्या देखे, क्या पोजिशन है, डायग्राम देखते पहले, एक लघु बीजाणु एक लघु बीजाणु, एक लघु बीजाणु नीचे की तरफ, यही चीज की यू ले लें अपन, ये यानी कि इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन क्या हुआ, क्रोसिट में, क्रोसिट में पोजीशन क्या हुई, दो माइक्रोस्पोर दो लघु बीजाणु को एक दूसरे पर समकोण पर और एक इसके जस्ट नीचे की तरफ, यानी कि वो भी समकोण पर, यानी कि यहां पर क्या होगा, चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण पे है, ये इसका समकोण है और ये इसका समकोण नीचे की तरफ आएगा। तो जब ऊपर से देखते हैं अपन तो कहने का मतलब ये माइक्रोस्पोर अपने को दिखाई देता है, ये वाला नीचे वाला दिखाई नहीं देता है, बाकी परसेंट नीचे वाला भी होता है। तो यहाँ पर एक यहाँ एक माइक्रोस्पोर हो गया, तो ये इसका संपूर्ण हो गया, ये इसका संपूर्ण, तो चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्रॉस ग्रुप में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल मैग्नोलिया, मैग्नोलिया जो प्लांट्स हैं उनमें सब में क्रोसिट जो है, क्रोसिट माइक्रोस्पोर टेट्राड पोजीशन में होता है। ये पोजीशन के आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट अपना आता है
टी सेल टी आर डायग्राम देखें, टी सेल में अपन देखें, देखिए यहां पर क्या हुआ, एक दूसरे के सब बॉर्ड पर है और चारों लघुविकर्णों अपने को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पोजीशन, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि दो तो सम बॉर्ड में है और लंबवत है, दो लंबवत आ रहे हैं इसमें, तो इसमें टी सेल की स्थिति हो जाती है। क्लियर, ये ध्यान रखना। लेकिन थ्री सेल में क्या हो गया, दो तो और अनुप्रस्थ रूप में दो लंबवत, ये समझ लो इसे, आप इस चीज को यू समझे कि दो तो आ गए आपके लंबवत रूप में और दो आ गए अनुप्रस्थ रूप में, ये थ्री सेल में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया एरिस्टोलोकिया टी सेल। क्लियर, आगे अपन चले, लाइनर लाइनर टेट्राड। ठीक है उसमें उसका एग्जांपल क्या था पहले वाले का, एरिस्टोलोकिया। अब रेखित में लाइनर में आपको क्या समझना है, चारों लघुविकर्णों चार जो माइक्रोस्पोर जो है वो एक ही लाइन में होते हैं, लाइनर टेट्राड पोजीशन में आपको क्या बताना है, चारों लघुविकर्ण एक ही लाइन में होते हैं। एग्जांपल डेलोफिला, तो रेखित टेट्राड पोजीशन। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, ये आपकी अपनी जो टेट्राड पोजीशन है, यहाँ पर जो टेट्राड पोजीशन हुई वो कंप्लीट होती है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये समझा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर, जो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होता है लघु बीजाणुओं का जब जनन होता है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, उस टाइम ये अलग अलग उनके पौधों में अलग अलग टाइप्स हैं जो है माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है पोलिनियम, अगला टॉपिक है पोलिनियम। देखिए इसका डायग्राम अपन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं।
सोडियम परागपिंड, ठीक है, परागपिंड में अपने को ध्यान रखना है कि जब बहुत से परागपिंड, क्या पढ़े इसको, बहुत से परागपिंड मिलकर एक विशिष्ट संरचना विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। उसे परागपिंड पॉलिनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको बहुत से परागपिंड मिलकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं या विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनियम। ये किसमें होता है, केलोट्रोपिस प्रोसेरा, केलोट्रोपिस प्रोसेरा आ, ध्यान रखना केलोट्रोपिस प्रोसेरा प्लांट्स में पॉलिनियम स्थिति पाई जाती है, किसकी, माइक्रोस्पोर की, यानी कि प्राग कणों की पॉलिनियम स्टेज जो होती है वो आपको ध्यान रखना है, केलोट्रोपिस प्रोसेरा आंख में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन देखें कंपाउंड पोलन ग्रेन, आगे टॉपिक है संयुक्त पराग कण, संयुक्त पराग कण। देख संयुक्त परागकण का मतलब क्या होता है, जब बहुत से परागकण, यानी कि जो परागकण होते हैं उनकी जो टेट्राड अवस्थाएं जो होती है, टेट्राड स्थिति जो होती है वो आपस में जब मिल जाती है, यानी कि टेट्राड अवस्था जो होती है, परागकण की टेट्राड अवस्थाएं आपस में मिलकर एक संयुक्त परागकण का निर्माण करती है, इसे बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। एग्जाम्पल ड्रोसेरा ओटाइफा, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके कंपाउंड पोलन ग्रेन के संयुक्त परागकण के। ठीक है, इसके बाद में आगे चलें पॉलीस्पोरी, बहु बीजांगता, बहु बीजाणुता, बहु बीजाणुता में अपन पढ़े कि जो एक टेट्राड होता है, एक टेट्राड में, एक चतुष्क में चार से अधिक परागकण पाए जाते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पॉलीस्पोरी, बहु बीजाणुता। ध्यान रखना पॉलीस्पोरी का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीस्पोरी, बहु बीजाणुता। बहु बीजाणुता से मतलब क्या है, जब एक टेट्राड में चार से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हो, उस चीज को या उसे हम, या चार से अधिक परागकण पाए जाते हैं, चार से अधिक लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, या पोलन ग्रेन शब्द पर नाम में ले लें तो अच्छा रहेगा, क्या रहेगा कि एक चतुष्क में चार से अधिक परागकणों का पाया जाना क्या कहलाता है, पॉलीस्पोरी। आगे चलते हैं अपन एंथर डिहेंसियंस, परागकोष का स्फुटन। देखो परागकोष का स्फुटन जो है, इस चीज को अपन, हम लोग क्या समझ सकते हैं, इस चीज को ये समझ सकते हैं हम लोग कि परागकोष का फटना, क्लियर, परागकोष का फटना उसे बोलते हैं परागकोष का स्फुटन या एंथर डिहेंसियंस। अब इसमें अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो परागकोष का स्फुटन जो है, मैंने बताया था जो एंडोस्टिशियम होता है, यानी कि
अंतः ईप्सिलियम जो स्तर होता है पराग कोष का, उस पराग कोष का जो सेकंड लेयर होता है अंतः ईप्सिलियम, उसकी जो ओस्ट सेल होती है, ओस्ट कोशिकाएं जो होती है यानी कि स्टोमियम सेल्स, ध्यान रखना इस चीज का, दोबारा बोलो, एंडोस्टिशियम पराग कोष का जो पराग कोष जो होता है उसका जो द्वितीय स्तर होता है, उस द्वितीय स्तर की स्टोमियम सेल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये स्टोमियम सेल्स क्या होती है कि स्टोमियम सेल्स जो होती है वो आर्द्रता ग्रही होती है, यानी कि उनके अंदर सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज से निर्मित पट्टियां पाई जाती हैं। तो सेलुलोज है वो जल या नमी को आकर्षित करता है, आर्द्रता को ग्रहण करता है, जिस कारण स्टोमियम सेल्स में क्या हो जाता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से वो स्टोमियम सेल्स क्या होती है, अलग होने लगती है। अलग होने से क्या हो जाता है, पराग कोष का स्फुटन हो जाता है। ठीक है, तो पराग कोष का स्फुटन जो है इस प्रकार से होता है। ये तो इसका प्रोसेस है कि स्टोमियम सेल्स के अंदर जो अल्फा सेलुलोज से निर्मित जो पट्टियां होती है वो नमी वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिस कारण से स्टोमियम जो सेल्स होती है उन पर दबाव या प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के कारण क्या होते हैं कि वो डिजनरेशन होने लग जाता है उनमें, कहने का मतलब वो टूटने लगती है। ठीक है, और टूटने के बाद में क्या हो जाता है कि जो है माइक्रोस्पोर जो होते हैं, लघु बीजाणु जो होते हैं वो बाहर आते हैं ताकि पोलिनेशन हो सके। ठीक है, तो ये चीज पराग कोष का स्फुटन। ठीक है, अब आगे अपन चले, अब जो अलग अलग टाइप के पौधे हैं, अलग अलग तरीके जो पौधे होते हैं उसमें जो एंथेलियस जो होता है वो अलग अलग टाइप से होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें अनुप्रस्थ स्फुटन। देखो अनुप्रस्थ का मतलब होता है टीएस के लिए, जैसे ये आपके सामने कोई पोलन शेक है, उस पोलन शेक में अगर ऐसा होता है टीएस के रूप में, यानी कि अनुप्रस्थ रूप में अगर डीएसएस होता है तो उसे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ स्फुटन। यानी कि यहाँ पराग कण जो है वो बाहर निकलेंगे, कब निकलेंगे, जब अनुप्रस्थ स्फुटन होता है। क्लियर, आगे चले, ऐसा होता है किसमें, एग्जाम्पल तुलसी जो होता है पौधा ओसिमम अनुप्रस्थ स्फुटन तुलसी में होता है। यानी कि यहाँ पराग कोष का स्फुटन या एंथर का स्फुटन कैसे होता है, अनुप्रस्थ रूप में होता है ताकि पोलन ग्रेन बाहर आ सके। दूसरा होता है लंबवत स्फुटन का मतलब होता है जो एलएस के रूप में अगर पोलन से टूटता है, या पोलन से जो नष्ट होता है, पोलन से जो होता है वो अनुप्रस्थ रूप में टूट रहा है या, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लंबवत रूप में, यहाँ पर लंबवत रूप में अगर स्फुटन हो रहा हो, पराग कोष का लंबवत रूप से स्फुटन हो रहा है तो उसे लंबवत स्फुटन कहते हैं। ऐसा होता है हेटूरा इनान्सिया दतुरामी, एग्जाम्पल ध्यान रखे दतुरामी कैसा होता है, लंबवत स्फुटन। आगे आता है छिद्रमय स्फुटन, छिद्रमय स्फुटन का मतलब क्या होता है कि जिसे मान लो कि पराग कोष है,
अब यहाँ पर छिद्र बनते हैं इसके एपिकल पार्ट पर, शीर्ष पार्ट पर छिद्र बन जाते हैं और छिद्रों के द्वारा पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, यानी परागकण परागकोष का स्फुटन कैसा होता है छिद्र में, छिद्रों के रूप में परागकोष का स्फुटन होता है, टूटना होता है, फटना होता है और ये जो परागकण जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ऐसा होता है मकोई में, एग्जाम्पल मकोई, एग्जाम्पल मकोई, क्लियर। अगला आता है कपाटीय, कपाटीय स्फुटन, कपाट या पटो के रूप में अगर स्फुटन होता हो तो कपाटीय बारबेरी, एग्जाम्पल बारबेरी। अगर कपाट या पटो के रूप में अगर प्रागकण का या सॉरी एंथर का डिएजेंस होता है, एंथर का फटना जो होता है वो कपाटों के रूप में हो तो उसे कपाटीय स्फुटन कहते हैं। बारबेरी जो प्लांट्स है उनमें ऐसा होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कंडीशन। देखो सीधी सी बात है, इसमें अपन लोगों ने क्या समझा था कि जो परागकण होता है उसका जो प्रारंभिक रूप होता है वो होता है आपका माइक्रोस्कोप लग गया। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, ये प्रारंभिक बनाते हैं, ये हेक्साइन है, ये इंटाइन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये जर्म कोर है, और ये पोलन ग्रेन है। तो परागकण जो होता है इसमें हेक्साइन इंटाइन भाईजोल बाद में ये जर्मोर और पूरी स्ट्रक्चर हो गई, लेबर डायग्राम हो गया पोलन ग्रेन का। तो ये परागकण की जो है संरचना है। अब ये जो परागकण है, अब ये जो परागकण है ये मेल गैमेटोफाइट में कैसे चेंज होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, प्रागकण की संरचना हो गई। अब हम क्या करेंगे, मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या बोलते हैं इसको, नर युगोद, नर युगोद। ये प्रारंभ का केंद्र है न्यूक्लियस, ये बाइचोल है, ये जन्म कोर है, जन्म छिद्र, ठीक है। भाई चोर हो गया, एक्साइन इंटाइन कर देना,
अब देखो इसमें आगे क्या होता है। अब जैसे ये न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड होता है, पॉलर ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, तो यहाँ पर इसका केंद्र होता है तो क्या करेगा, समसूत्री माइटोसिस डिवीजन, मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ लिया, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट में हमें क्या पढ़ना है, ये हो गया परागकण, क्लियर। ये परागकण जो होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है समसूत्री विभाजन करता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बनते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा क्या हुआ, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन हुआ, दो न्यूक्लियस बना, दो न्यूक्लियस अपनी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेते हैं, बना लिया, और इसके बाद में इसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है और ये सेल वॉल आ जाती है, कोशिका भित्ति। इसी प्रकार यहाँ पर या सेल मेम्ब्रेन बना सकते हो, कोशिका झिल्ली बन जाती है या एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी सिस्टम आपने बताना है, ये चीज अपने को देखनी है, क्या देखनी है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस अपनी अपनी सेल का निर्माण कर लेते हैं, क्लियर। आज ऊपर वाली जो सेल होती है उसे तो अपन क्या बोलते हैं, वेजिटल सेल, वेजिटल सेल बता दो या वेजिटेटिव सेल बता दो, वेजिटेटिव सेल बोल दो इसे, ठीक है। इसे जर्म सेल, जनन कोशिका, तो यहाँ एक तो बन गए काय कोशिका, एक बन गए जनन कोशिका, कैसे बनी दोबारा बता रहा हूँ, परागकण है, परागकण है, ये जो परागकण है इसका जो केंद्रक है न्यूक्लियस है, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस अपने अपने सेल का निर्माण कर लेते हैं, जो ऊपर वाली सेल होती है उसे तो बोलते हैं वेजिटल सेल या वेजिटेटिव सेल, और एक होती है जर्म सेल जिसे जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। आगे डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे। अब इसके बाद में इसके अंदर जो जनन कोशिका होती है, जर्म सेल है, जर्म सेल में आप माइटोसिस डिवीजन करना है, डायग्राम देखते हैं, देखिए क्या हुआ, ये जो जर्म सेल होती है, जनन कोशिका होती है, ये जनन कोशिका का जो केंद्र होता है वो समसूत्री विभाजन करता है और दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेता है, तो ये दो नर युग्मक ये है। वेजिटेटिव सेल जो है वो पोलन ट्यूब के अग्रभाग में है, यानी ये जो जर्म सेल पहले जर्म ट्यूब बनी और जर्म ट्यूब आगे चलकर पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, पोलन ट्यूब के अंदर क्या हुआ, एक तो वेजिटेटिव सेल अग्रभाग में है, दो नरयुग्मक जो कि जनन कोशिका के माइटोसिस डिवीजन से हुए हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन, जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन से क्या बन गए, दो नरयुग्मक,
और वेजिटेटिव सेल क्या आगे आगे, ठीक है, और ये पूरी की पूरी क्या बनते हैं पोलन ट्यूब। अब इसे इसे हम लोग कह सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट है, या इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो है अंकुरित, अंकुरित जो पादपों जो होते हैं जर्मिनेट जो पोलन ग्रेन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो ज्यादा नाम मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद अंकुरित, अंकुरित जो परागकण होते हैं उन्हें हम नर युग्मोद्भिद कहते हैं, ठीक है। नर युग्मोद्भिद को आपको परागकण से नर युग्मोद्भिद ऐसे बनाना है बिफोर पोलिनेशन, यानी कि परागकण से पहले ये जो अपने को ये बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। तो मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेटोफाइट से क्या क्या बना देगा, मेल गैमेटोफाइट जो स्टार्ट कहाँ से हुआ पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर से, पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर यानी परागकण की संरचना ये है। प्राकृतिक संरचना के बारे में आपको क्या बताना है, उसको अंकुरण बताना पड़ेगा, अंकुरित बताना पड़ेगा। अंकुरण होने से क्या होगा, देखो अंकुरण कैसे हुआ इस चीज को समझ लेते हैं। ये तो है अंतःचोर, ये है बाह्यचोर, दोनों चोर हो गए यानी एक्साइटेड है। अब जो अंतःचोर होता है वो एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आता है जर्म पोर के द्वारा, यानी कि यहाँ पर ये जनन क्षेत्र है, ये जनन क्षेत्र है, इस जनन क्षेत्र के द्वारा ये अंतःचोर जो होता है वो अंतःचोर जनन क्षेत्र के द्वारा ऐसे बाहर आ गया। इसको स्टार्टिंग में छोटी होती है तो इसको जर्म ट्यूब कहते हैं, पहले जर्म ट्यूब बनी फिर पोलन ट्यूब बनी, पहले चीज पर ये किया जा रहा है। तो ये तो इसका अंकुरण हुआ, अंकुरण होने से ये सिस्टम बना सारा, ठीक है। अब अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद में यहां पर जब अंकुरण होगा उसी टाइम जनन कोशिका जो होती है जर्म सेल होती है, ये जर्म सेल क्या करेगी माइटोसिस डिवीजन करेगी, और माइटोसिस डिवीजन करेगी तो क्या बन जाएंगे दो नर हैप्लॉइड हैप्लॉइड, क्योंकि ये सेल कैसी है ये भी हैप्लॉइड एग्मित कोशिका हैप्लॉइड। तो ये जो हैप्लॉइड कोशिका है इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो हैप्लॉइड सेल बनती है, डॉटर सेल कैसी होगी, तो यहाँ पर हैप्लॉइड हैप्लॉइड दो नर हैप्लॉइड बन गई, ठीक है ना। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। आगे अपन कौन चलता है